dear student, today we see the next topic in a control system, that is the block diagram of servo system. Okay, so see the diagram of block diagram of servo system. This is the diagram of generalized block diagram of servo system. Okay, see, in this block diagram we use amplifier, okay, generator, motor and gear system and load, okay, and potentiometer, that is pot, input pot and feedback pot. Okay, see the detailed explanation. In detailed explanation, first point is that the servo system is one in which the output is some mechanical variable like position, velocity or acceleration. Okay, यहाँ पे जो servo system का input होता है, output होता है, sorry, जो भी servo system का क्या होता है, output होता है, वो mechanical variable form में रहता है, जैसे कि position, velocity and acceleration. Okay, next point है, the servo system are nothing but क्लोज लूप सिस्टम. ओके, ये जो सर्वो सिस्टम है वो नथिंग बट क्लोज लूप सिस्टम है, वेयर द फीडबैक इज यूज टू मेंटेन द आउटपुट. फीडबैक जो यूज करते हैं हम लोग, उसके वजह से जो है क्या होता है, जो आउटपुट है वो मेंटेन रहता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सर्वो सिस्टम यूज टू पोजिशन सम फाइनल एलिमेंट्स लाइक अ लोड. ओके, यहाँ पे हम लोग जो पोजीशन केस में यूज कर रहे हैं वो है लोड को यूज कर रहे हैं. ठीक है, बींग ड्रिवन बाय द मोटर्स थ्रू द गियर सिस्टम. यहाँ पे जो मोटर्स है वो किसके वजह से मूव हो रही है, ड्रिव हो रही है थ्रू गियर सिस्टम के वजह से. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, that is the QC denotes the controlled output position while QR denotes the reference position. Okay, next time both the quantities are measured and compared using potentiometer. ये दोनों जो quantity है QC and QR, वो potentiometer से हम लोग measured भी करते हैं और compared करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर. ओके, देन द आउटपुट ऑफ पॉट पेयर, दैट इज दिस, द आउटपुट ऑफ दिस पॉट पेयर अब्सेंस एरर इनपुट विच इज एम्पलीफाइड विद द एम्पलीफायर. ओके, ये जो आउटपुट है हम लोग एम्पलीफायर के हेल्प से क्या करते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं. ओके, नेक्स्ट है, दिस सिग्नल इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द फील्ड करंट ऑफ अ डीसी जनरेटर. ये जो सिग्नल आता है एम्पलीफायर से, वो क्या करता है, जो भी डीसी जनरेटर है वो फील्ड करंट को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, यूज होता है, विच इन टर्म्स प्रोवाइड आर्मेचर वोल्टेज. उसको क्या प्रोवाइड करता है, आर्मेचर वोल्टेज टू ड्राइविंग मोटर फॉर ड्राइविंग द लोड थ्रू द गियर सिस्टम. ओके, जो भी आर्मेचर वोल्टेज क्या करता है, प्रोवाइड करता है, वो किसके लिए यूज होता है, जो भी मोटर है वो स्टार्ट करने के लिए या शुरू करने के लिए, और ये जो मोटर है वो किसके इससे मूव होती है या ड्रिव होती है, विद द हेल्प ऑफ गियर सिस्टम थ्रू द लोड. ओके, देन देयर आर सम एप्लीकेशन ऑफ दिस सर्वो सिस्टम, दैट इज फर्स्ट, इट कैन बी यूज फॉर टूल पोजीशन कंट्रोल इन मशीन शॉप, रडार ट्रैकिंग सिस्टम एंड स्टील मेटल थिकनेस कंट्रोल. ओके, हम लोग जो है किसके लिए यूज करते हैं, मशीन शॉप में यूज करते हैं पोजीशन कंट्रोल के लिए,
देन रडार ट्रैकिंग सिस्टम में भी यूज करते हैं, स्टील मेटल थिकनेस कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग ये सर्वो सिस्टम यूज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, दिस सिस्टम आर पॉपुलरली यूज फॉर ऑपरेशन कंट्रोल इन अ कंप्यूटर पेरिफेरल्स। ओके, नेक्स्ट है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, रोबोटिक्स में भी यूज कर सकते हैं, सीडी ड्राइव्स एंड टाइपराइटर्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, एडवांटेज है इसके, हाई टॉर्क एट हाई स्पीड। सेकेंड है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ऑलरेडी बताया मैंने ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बेस्ड है। उसके बाद में वेरी इफिशियंट है, उसके बाद में गुड फॉर वेरिएबल सिस्टम। ओके, वेरिएबल सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है ये भी सर्वो सिस्टम। ओके, डिटेल में नोट्स में देखेंगे हम लोग, जो भी मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में बताया है उसके नोट्स भी मैं आपको एक बार रिवाइज कर देती हूँ। सो ओके, सी द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सर्वो सिस्टम इज वन इन विच द आउटपुट इज सेम मैकेनिकल वेरिएबल लाइक अ पोजिशन, वेलोसिटी, acceleration. Servo system are nothing but the closed loop system where feedback is used to maintain the output. Block diagram of the servo system used to position some final elements like a load being driven by the motor through the gear system. QC denotes the controlled output position, QR is the reference position. Both the quantities are measured and compared using the potentiometer. Output of the pot pair EV absence error input, which is amplified using the amplifier. Then this signal is used for controlling the field current of the DC generator, which in terms provide armature voltage to the driving motors for driving the load through gear system. Okay, then see the next, that is the application. It can be used for the tool position controlled in a machine shop, radar tracking system, steel metal thickness control. Okay, this system are the popularly used for the operation control in the computer peripherals, in the textile industries, in robotics, in CD drives, comma typewriters. Okay, then see the, that is the advantage. You see, this is the advantages, that is high torque at high speed, then closed loop control system, then it is a very efficient, then good for variable system. Okay, so today's topic will be end here. So thank you.